हेलो गाइस, आज हम क्लास 7th की बुक है इंग्लिश की, उसके चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स यही हैं जो हम फुटवियर डालते हैं, उन्हीं को बोला गया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्माइलिंग रुकू मनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु। अब जो रुक्मणी है उसने हंसते हुए फेस के साथ जो है डोर को ओपन किया है, और रवि और मीना अंदर से बिल्कुल भागे भागे आए, और रवि ने जो है मृदु को अपने घर के अंदर पुल कर लिया, खींच लिया, क्योंकि मृदु गेट पर आई है। तो मृदु ने जैसे गेट पर आते हुए दरवाजा खुलवाया तो रवि ने उसको अंदर खींच लिया। तो वो कहते हैं कि रुको, मेरे को अपने स्लीपर तो लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने ऐसे बोला, सी सेट देम आउट नियरली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वॉन्स। और उसने कहाँ पर उसको रख दिया, वहीं पर काले रंग का एक पेयर रखा हुआ था जूतों का, वहीं पर रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, लेकिन एक्चुअली में वो कैसे हैं, वैसे तो काले हैं लेकिन डस्ट जम जम के वो ग्रे कलर के हो चुके हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और जैसे चप्पल पहने पहने से उंगली के निशान पड़ जाते हैं, तो आप हर पार्ट को इजीली वहां पर देख सकते थे। द मार्क फॉर द टू बिग टॉज वर लॉन्ग एंड स्क्वॉर्नी। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट वुड स्लीपर देयर। लेकिन मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये जाने कि ये किसके स्लीपर हैं, बिकॉज रवि ड्रैग हर टू द बैक यार्ड। रवि जो है उसको घर के अंदर आते ही पिछले हिस्से में लेके गया, बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बश, जो एक बिटर बेरी बश के बिल्कुल पीछे वाली झाड़ी है, वहां पर वो उसको लेके गया। रवि है घर के अंदर आते ही उसको क्या दिखाने के लिए, देखते हैं अभी वो किस चीज को उसको दिखाना चाहता है और क्यों उसको वो अंदर लेकर गया है। देयर इन साइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। अब वो क्या है, वहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है और कोकोनट हाफ शेल, जैसे कोकोनट का ऊपर का आधा हिस्सा होता है ना जिसमें दूध वगैरह डाल देते हैं, वो वहाँ पे रखा हुआ है, वो उसको वो दिखा रहा है, एक फटी हुई फुटबॉल भी है वहीं पे। ही फोन हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कहता कि हमने इसको आज की सुबह घर के बिल्कुल गेट के बाहर मिला है। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग्स, और वो बिल्कुल म्याऊ म्याऊ कर रहा था। सेड रवि, सेड मीना, मीना ने कहा कि वो म्यू म्यू कर रहा था। इट इज़ अ सीक्रेट, ये बिल्कुल एक रहस्य है। अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पदु ममाज हाउस इफ शी न्यूज वी हैव ए कैट। पति होता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर बोलती है, मतलब कि ग्रैंड मदर को तमिल भाषा में पाती बोला जाता है। तो वो कहता है कि अम्मा कहती है कि अगर ग्रैंड मदर को ये पता चल गया कि यहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा है तो वो घर को छोड़ देंगे, मतलब वो उन्हें पसंद नहीं है ऐसे बिल्ली के बच्चे पालना। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी वर दिस क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि। रवि कहता है कि वैसे तो बड़े आदमी सभी बोलते हैं कि आप थोड़े से काइंड रहिए, दयालु रहिए, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम पे वो चिल्लाते हैं कि आप इन जानवरों को घर के अंदर क्यों लेकर आए। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो कि कितना मुश्किल होता है कि थोड़ा सा दूध इसके लिए किचन से लेकर आना। पति सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट। वो कहता है कि भाई मैं जैसे रसोई में था, किचन में था, मैं दूध लेके आ रहा था इसके लिए, तो मेरे को दादी ने देखा और दादी को मैंने झूठ बोलना पड़ा कि मैं काफ़ी भूखा हूँ और वो मेरे को ऐसे देख रही थी, तो मैंने आधा गिलास तो वहीं पीना पड़ा ताकि उनको कोई शक न हो। Then she wanted to tumbler back. Pati, pati, I will wash it myself. Why should I put you to troubles? I told her. I had to run and pour milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. वो कहता है कि मैं खुद इसको डाल के लेके आया हूँ और मैंने फिर इसको इसमें कोकोनट इसमें डाला और बर्तन धो के भी रखाया ताकि उसको कोई शक ना हो दादी को। Now we have to think of some other way to feed Mahindran. लेकिन अब हमारे पास हम कोई दूसरा रास्ता सोच रहे हैं कि जिससे हम इसको खाना खिला सकें। Mahindran है उस बिल्ली के बच्चे का नाम। Mahindran, this little kitty name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. कहता कि Mahindran तो काफ़ी real name लग रहा है, ये तो कोई kitty name नहीं लग रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। Actually his full name is Mahindra Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short, if you like.
वो कहता है कि इसका पूरा नाम महेंद्रन वर्मा पल्लवा है, पुनई, और एमपी जो है, एमपी पुनई इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अगर तुम्हें पसंद हो तो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये काफ़ी बिल्ली की काफ़ी अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लॉयंस मेन, एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक एक्सपेक्टिंगली एट मृदु, और वो कहता है कि इसका फर देखो कितना अच्छा है, ये शायद लोयन की प्रजाति से बिलोंग करता है। क्या तुम्हें पता है हमारे जो एम्बलम है, हमारे जो पुराने, हमारे प्राचीन पल्लव राजा थे, उनका जो एम्बलम था, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? मृदु आशा से उसकी तरफ देख रहा था। थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो आई थिंक अबाउट हिस्ट्री, हैव एट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। रवि कहता है कि ये तो मुझे पता है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने ऐसे रहस्य से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, आई साइ स्टेचू ऑफ हिज थाथाज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बताता है रवि उसको कि जब मैं महाबलीपुरम गया था अपनी क्लास के साथ, तो थाथाज होता है ग्रैंड फादर के लिए, तमिल में ग्रैंड फादर को थाथा बोलते हैं। तो मेरे को जब पता लगा था, जब मैंने वहाँ पर एक स्टैचू देखा था जो ये कैट है जो वहाँ पे है, तो वो उसके वंशजों के बारे में बता रहा है कि मैंने उसके ग्रैंडफादर के फादर की इनकी एक मैंने स्टैचू देखा था। फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोयन। और वो कहता है कि मतलब क्लियर चीज़ क्या है, ये वास्तव में जो ये बिल्ली है वो इनके पूर्वज कौन थे जो महाबलीपुरम में, जो महाबलीपुरम में जो थाथाज थे, जो एंशियंट इजिप्ट हैं, वहाँ पे ऐसी ही प्रजाति की सेम बिल्लियाँ पाई जाती थी, और ये काफ़ी जो ये प्रजाति है वो शेर, जो लोयन वाली प्रजाति है, उसके काफ़ी नज़दीक है। द पल्लवा लोयन एम्बलम ऑफ द पल्लवाज डायनेस्टी, और जो पल्लव जो शासक हैं उनका जो चिन्ह है, उनका जो शासन का चिन्ह था, वो भी शेर ही था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग, और वो जो बेर का पेड़ है उसके चारों ओर ऐसे घूमता है और उसकी टहनी को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो बिल्ली है इसके वंशज कोई और नहीं, महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट हैं वही हैं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट, और मैं तुम्हें अगर याद दिलाऊँ तो पुराने टाइम में एंशियंट प्राचीन साम्राज्य में बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी। Have he loved the sound of his own voice? Meena and Mridu exchange look. क्या वो अपनी आवाज़ से प्यार कर रहा है, तो वो एक दूसरे से ऐसे अपने एक दूसरे के फेस देख रहे हैं। What does that have to do with anything? Mridu demanded. Who I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet, yeah, that is. So well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahindran MP Punnai here, whose he stuck very pleased with himself. तो वो कहता कि जो ये कैट है वो यहाँ कैसे आई, तो वो कहता है कि जो ये कैट थी उसका कोई वंशज है, वो आराम से चुप के जहाज़ में बैठ गया, जिससे पता नहीं चला, किसी ने भी नोट नहीं किया, तो ऐसे ही ये इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ऐसे ही ये जो कैट है वो चली गई है। महेंद्रन लुक अप अलार्म, ही है जस्ट बिन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल, बट वॉज देन रवीज वे फुल वूप एक वजह क्रीच फ्रॉम द विंडो। अब जो वो महेंद्रन है, कैट है, वो अपने क्लोज होता है पंजे, पंजे कैसे शार्पन कर रही है, जो उसके पास एक कोकोनट शेल रखा हुआ है, कोकोनट के जो ऊपर की जो खोखला हिस्सा है जिसमें वो दूध डाल के पिलाते हैं, तो उस पर अपने क्लोज को, पंजों को ऐसे शार्पन कर रही है। लेकिन साथ ही साथ में विंडो से भी रवि को कुछ एक अलग सी आवाज़ आती है, क्रीच, एक अलग सी साउंड, ए वियर्ड साउंड, एक अजीब सी आवाज़। इफ मृदु वाज स्टार्टेड, एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वीट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, एंड ही बाउंस अप एंड स्कर्ट टुवर्ड ए बैम्बू ट्रेज ऑफ रेड चिलीज दैट ही हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ट्राइंग टू हाइड बेनीथ इट, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मियाओ, ही हॉलोड मिजरेबली। अब जो बिल्ली है, जो महेंद्रन है, वो काफ़ी डर जाती है और वो उसकी जो रूम रूम खड़ी हो जाती है, वहाँ पर रेड चिल्ली सूखी हुई है, तो वो रेड चिल्ली को अपने ऊपर ऐसे डाल लेती है अपने आप को छुपाने के लिए, और मियाओं मियाओं की बहुत दयनीय आवाज निकालती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। अब आवाज, जो अजीब सी आवाज है, वो आई जा रही है, आई जा रही है, तो मृदु कहती है कि कैसी आवाज है, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन।
ग्रंटेड रवि, रवि बोलता है कि लल्ली है जो वियोलिन बजाना सीख रही है, शी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाई लल्ली ऑल द टाइम ड्रेलिंग्स गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो वो म्यूजिक मास्टर की थोड़ी प्रेज कर रहा है कि कैसे म्यूजिक मास्टर जब बजाते हैं म्यूजिक तो ऐसा लगता है कि जैसे जो रेल है वो अपने ट्रैक पे बहुत स्मूथली चल रही है, लेकिन जब लल्ली बजाती है तो ऐसा लगता है कि जो रेल है वो अपने ट्रैक से जाने वाली है, मतलब कि उसकी जो गाना है वो अच्छे से नहीं गा पा रही है। मृदु क्रैप्ट अप टू विंडो, लल्ली वॉज सिटिंग ए लिटल डिस्टेंस अवे, अवैक्वाटली होल्डिंग हर वियोलिंस एंड बोस्ट्रिंग्स, हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। अब वो देखती है विंडो में से ऐसे झांक के, तो वो लल्ली है जो थोड़ी सी दूर डरी हुई सहमी हुई सी म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है अपने हाथ में लिए हुए बैठी हुई है। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज ए बॉनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर, ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। तो उसके ही बिल्कुल अपोजिट साइड में उसका म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ है जिसका आधा सिर गंजा है और थोड़े लंबे बाल हैं जो कानों के ऊपर से पीछे पड़े हुए हैं और वो बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है। ए गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड हिज लीथरी नेक एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इज ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ वियोलिन। और उसने नेक में अपने गोल्ड चेन पहनी हुई है जो काफ़ी चमक रही है, एक डायमंड की रिंग है, जैसे जैसे वो वियोलिन पर अपनी उंगलियों को ऐसे फेर रहा है तो वो काफ़ी चमक रही है। A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered vestiges and he was beating time on the floor with squirmy big toe. He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violins with look quite helpless and unhappy in her hands. चाहे लल्ली बेशक म्यूजिक बजा रही हो लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है उसके साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बजा जरूर रही है कंसंट्रेशन के साथ लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं है। विद अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड। मृदु स्टार्टेड एट दैट हग बर्गिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वियोलिन स्टीम्स मेकिंग लवली म्यूजिक। अब जो म्यूजिक मास्टर है वो जो म्यूजिक बजा रहा है तो वो बहुत अच्छे से बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई रेल बिल्कुल स्मूथली ट्रैक पर चल रही है जो सुनने में काफ़ी मिलोडियस है, काफ़ी संगीत में है और अच्छा भी लग रहा है। स्वैक देयर वॉज लल्ली ड्रेलिंग अगेन, अब दोबारा से फिर जो है लल्ली ऐसे ही कर देती है, उसको मतलब बजाना नहीं आ रहा है, उसके जो सुर हैं वो ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अब गेट से आवाज़ आई है अम्मा की। रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि भिखारी को तुम भेज देना बाहर। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, पिछले वाले बरांडे से आवाज़ आती है। वेहर शी वॉज चैटिंग विद तापी, वहाँ पे वो तापी के साथ बैठ के बातें कर रही है। ही हैड बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। पति एक्सप्लेन टू तापी, अब जो पति है वो तापी को एक्सप्लेन कर रही है कि पिछले एक हफ्ते से यही आ रहा है और अब टाइम है कि ये किसी और घर में जाए मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इज ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नोज व्हाइल ही अवेटेड फॉर द आर्म्स टू अपियर। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, माय पति सेड इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। तो जैसे ही मृदु और मीना बाहर जाते हैं रवि के पीछे पीछे तो देखते हैं कि जो भिखारी है वो बाहर नीम के पेड़ के नीचे अपने ऊपर ओढ़ने वाला जो कपड़ा है उसको बिछा के वो उस पर लेटा हुआ है, वो काफ़ी रेस्ट कर रहा है, सोने वाला ही है। तो इतने में ही रवि बोल देता है कि आप यहाँ से जाइए, मेरी दादी ने बोला है कि अब किसी और घर में आप जाके मांगिए, अब आपको यहाँ पे रहते रहते एक हफ्ता हो चुका है। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाई वन। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चोक विद फीलिंग आर वेरी काइंड शोल, आई हैव कैप्ट माई बॉडी एंड शोल टूगेदर ऑन देयर जेनरिसिटी फॉर द होल वीक। आई कॉन्ट बिलीव दैट दे वुड रन मी अवे, कहता कि इस घर की लेडी, जैसे उसने रवि ने बोला तो उसने अपनी आंखें खोली थोड़ी बड़ी बड़ी, वो बोला कि इस घर की लेडी वो तो काफ़ी अच्छी है, एक हफ्ता से उसने मेरे को यहाँ पे रहने भी दिया है और वो तो ऐसा नहीं बोल सकती। आई कॉन्ट बिलीव दैट दे वुड रन मी अवे, मुझे विश्वास नहीं है कि वो मुझे बाहर जाने के लिए बोलेंगी। He raised his voice, अम्मा अम्मा ओ, said his veil might be but it certainly wasn't feeble,
इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रोंग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्रोज विद बिटल चोइंग रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही हैज नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट शी शाउंडेड फेड अप Ravi didn't have to repeat it at all to Bigger with his what his mother said he had been easy for them all to hear there under the name tree the beggar set up and shine to wo bhaga bhaga fir jata hai ki wo to aise bol raha hai to uski jo grandma hai wo itni tez bolti hai ki अब हमारी रसोई में कुछ नहीं बचा है तो आप किसी और घर में जाइए जहाँ पे आपको खाने का मिलेगा। और रवि को ये चीज़ें रिपीट करके बतानी नहीं पड़ेंगी बैगर को, क्योंकि उसकी जो दादी है उसकी आवाज़ इतनी तेज है कि बैगर ने खुद ही, भिखारी ने खुद ही वो सारी बातें सुन ली हैं। अब वो खड़ा हुआ और थोड़ी सी आहें बढ़ने लगा। आई विल गो ही सेड वियरली, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मेरे को यहाँ पे इस पेड़ के नीचे आराम करने दीजिए। द सन इज सो हॉट एंड द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, अब गर्मी बहुत है और जो रोड पे बिछा हुआ जो तार है वो भी पिघल चुका है। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में पहले ही छाले हैं गर्मी से। ही स्क्रेचिज आउट हिज फिट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द शोल्स ऑफ हिज बेयर फिट, और उसने ये सब दिखाने के लिए अपने पैर बाहर निकाले। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बॉय चप्पल्स, मैंने इस विचार लगाया कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर टू मीना रवि, अब जो मृदु है वो मीना और रवि से ऐसे चुपके चुपके बातें बोल रही है कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन हाउस समवेयर, क्या कोई हमारे पास पुरानी चप्पल का जोड़ा पड़ा है। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, और आई हैड हिव गिवन देम टू हिम एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, तो रवि कहता कि मुझे नहीं पता, मेरी तो काफ़ी छोटी है, अगर मेरी फिट होती तो मैं दे देता, और मीना की भी नहीं इसको आएंगी क्योंकि इसका पैर काफ़ी बड़ा है और हमारा काफ़ी छोटा है। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज डॉथी, ही रेज हिज आइज एंड लुक फेयरफुली टू एट द रॉड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, अब जो बेगर है वो उठा, उसने अपने जो ऊपर की धोती है उसको थोड़ा टाइट किया, अब वो काफ़ी दुखी है जैसे उसने अपनी आँखें उठाई बाहर की गर्मी को देख के कि काफ़ी गर्मी है, कैसे दोपहर चमक रही है। ही नीड समथिंग इन हिज फुट, मीना सैड हर बिग आईज विज फीलिंग्स आई एम नॉट फेयर, मीना बोलती है कि इसको भी कुछ पैरों में पहनने के लिए चाहिए, और ऐसा बोलते ही जो बैगर है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये तो अच्छा नहीं है। सैड रवि, रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इसकी तो मदद करनी चाहिए। इन टू मिनट्स ही विल बी फ्रीइंग हिज फिट ऑन द रोड, दो मिनट में ही इसके जो पैर हैं वो रोड पर फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। व्हाट्स ही नीड इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट सर्च द हाउस, ही पुश मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, हमें इसको जो है चप्पल देनी चाहिए, और वो मीना और मृदु को अंदर लेकर जाता है ढूंढने के लिए। Just as she stepped into Vranda's, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" तो जैसे ही वो वरांदे में जाते हैं तो उनकी जो नज़र है वो वही पुरानी चप्पलों पर पड़ती हैं। जब वो आई थी तो उसकी पड़ी थी कि वही चप्पल है जिसपे टोज के फुटप्रिंट बने हुए हैं, वैसे ब्लैक कलर की है लेकिन डस्ट से वो ब्राउन कलर की हो चुकी है उन पर, तो वो उससे पूछा कि ये किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, ही ब्लीम एंड नॉडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सैड पिकिंग दैम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, वो उसको उठाते हैं, वो काफ़ी पुरानी सी भद्दी सी हो चुकी हैं, वो उसको उठाते हैं और मृदु और मीना है जो रवि को फॉलो करते हैं गार्डन तक। Here said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. अब रवि उन चप्पलों को उस बेगर के सामने लाकर रख देता है और बोलता है इनको पहन के कभी यहाँ पे दिखना भी मत। तो जल्दी जल्दी में जो भिखारी है वो अपने पढ़ने को ऐसे अपने शोल्डर पर रखता है और दो मिनट में चप्पलों को पहन के वहाँ से गायब हो जाता है, वो बच्चों का आशीर्वाद देता हुआ। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अब म्यूजिक मास्टर कमरे से बाहर आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और वो ऐसे ही मतलब कि वो एक अलग से तरीके से तीनों बच्चों को देखते हैं। वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो मार्बल, वो जैसे वो
मार्बल्स के जो टुकड़े होते हैं उनसे वो खेल रही हैं। देन ही सर्च फॉर द चप्पल्स इन द वरांदाज वेयर ही हैड पुट देम। अब वो अपनी चप्पलों को ढूंढ रहा है। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ही हरीड अप टू हिम। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट देम देयर। लल्ली को बुलाता, लल्ली यहाँ मेरी चप्पल नहीं है, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है, मैंने यहीं पर रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ वरांदा। ही स्क्यूरिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन दैम। ब्रैंड न्यू देवर आई वेंट ऑल द वे ऑफ माउंट रोड टू बॉय दैम। ही वेंट ऑन सींग द कॉस्ट ए वॉल मंथ फीस डू यू नो। अब जो रवि मृदु मीना है वो आराम से बैठ के देख रही हैं कि कैसे म्यूजिक मास्टर और लल्ली अपने फुटवियर को ढूंढ रही हैं। हर जगह देख लिया, वरांदा में, रेलिंग के ऊपर, क्रोचिंग, फ्लावर पॉट के नज़दीक में। और वो बोलता है कि मेरी न्यू ब्रांड की चप्पल है, उनको लेने के लिए मैं माउंट रोड तक गया हूँ। उनका जो उनकी जो कीमत पता है कितनी है, तुम्हारी कई महीनों की फीस है। तो ऐसा बोलता है म्यूजिक मास्टर लल्ली को। सुन लल्ली वेंट इन टू टेल हिज हर मदर। रुकुमनी अपीयर्स लुकिंग हेयर हरेस्ड विद पत्ती फॉलोड हर। अब लल्ली अपनी मम्मी को बुलाती है, रुकुमनी आ जाती है और वो काफ़ी मतलब कि ऐसे झुंझलाट में है कि भाई ये क्या हुआ, और पत्ती जो उसकी ग्रैंड मदर है वो पीछे पीछे है। वेयर कुड दे बी, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पत्ती। कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपसेट कर देता कि कोई हमारे घर के बाहर से कैसे चप्पल चुरा के ले जा सकता है। लेकिन जब पत्ती बोलती है कि बहुत सारे बेचने वाले आते हैं गलियों में तो कोई भी ले गया होगा। रुकुमनी कोर्ट साइट ऑफ रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। हैव यू चिल्ड्रन सी बिगेन एंड देम सींग देवर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एंड नोइंग लर्किंग अराउंड द वरांडा ए शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। तो फिर वो तीनों के ऊपर नज़र पड़ती है उसकी माँ की, तो वो बोलते हैं कि क्या तुमने देखी है। तो वो उनके पास आती है, उसके ऐसे आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन बनी हुई है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। आज उनका जो फेस है, आज उनका जो मुंह है वो काफ़ी गुस्से वाला है। जो हमेशा जहाँ से वो प्यार निकालती हैं आज वो उसके चेहरे पर गुस्सा है। रुकुमनी वाज एंग्री थॉट मृदु विद ए शिवर शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद शोर्स इन हिज फीट शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। तो मृदु कहती है कि वो इतने भी गुस्से वाली नहीं है, अगर हम उनको सच्चाई बताएंगे कि हमने भिखारी को चप्पलें दी हैं तो वो मान जाएगी, वो इतने गुस्से वाली नहीं है। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड रुकुमनी देयर वाज ए बैगर हेयर पुअर थिंग ही हैड सच बॉल्स इन हिज फिट। तो वो एक सांस लेते हैं और बोलते हैं रुकुमनी एक यहाँ पे भिखारी था, उसके पास चप्पलें नहीं थी, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। सो सैड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि। तो वो रवि की तरफ मुंह फेरती है। तो You gave the music master chappals to the old beggar who turns up here. तो क्या तुमने वो म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उसको दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रांटेड पति। पति कहते कि आजकल के बच्चे ये किसी की भी नहीं मानते, ऐसे ही दादी माँ बोलती है। पति दादी माँ को बोलते हैं पति। अम्मा डिडंट टेल यू मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरी थिंग ही हैड एवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स ही वॉज सो काइंड एंड जेनरियस। तो कहता कि अम्मा आपने ही तो मुझे करण के बारे में बताया था कि उन्होंने अपने गोल्ड की सारी चीज़ें दे दी थी, अपने इयर रिंग्स भी दे दी थी, वो कितने दयालु थे। सिल्ली स्नैप रुकुमनी करना डिडंट गेव अवे अदर पीपल्स थिंग ही ओनली गेव अवे हिज ऑन। लेकिन रुकुमनी बोलते हैं कि पागल करने तो सिर्फ अपनी ही चीज़ें दी हैं, वो दूसरों की चीज़ें नहीं देते। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फिट रवि रश ब्रेशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो कहता है कि मेरी चप्पलें तो काफ़ी छोटी हैं, उसको फिट थोड़ी ना आती। तो अम्मा बोलते हैं कि अगर क्या उसकी चप्पलें, क्या उसको तेरी चप्पलें फिट आती तो तू दे देता, ऐसे अम्मा बोलती है। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुकुमनी रवि पर काफ़ी गुस्सा होती है, गुस्से में बोलते हैं रवि एक मिनट में घर के अंदर जाओ। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपूज मामाज हार्डली वोर न्यू चप्पल्स। वो अंदर जाती हैं और अंदर से गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आती हैं। दीज शुड फिट यू, ये आपको बिल्कुल फिट होंगी। प्लीज़ पुट दीज ऑन, सर आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। माई सन हैड बीन वेरी नोटी, मेरा बच्चा काफ़ी नोटी है, शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, अब म्यूजिक मास्टर की आंखें खुल गई। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उन चप्पलों को डाला। ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, वो ज़्यादा अंदर से वो काफ़ी खुश थे कि नई चप्पलें मिल गई, लेकिन वो ऐसे दिखावा नहीं कर रहे थे कि वो खुश हैं। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, वो कहते हैं कि चलो ठीक है चल जाएंगी। दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वट टू डू। तो कहता है कि आजकल के बच्चों को तो किसी की कोई इज्जत नहीं है। ए हनुमान्स इनकार्नेट, ये तो एक हनुमान का अवतार है। ओनली रामाज कैन सेव सच ए नोटी फिल्लो, केवल एक राम के ही ऐसे
शैतान मतलब कि राम के ही अवतार ऐसे हो सकते हैं। रुकुमणि आइज फ्लैश, अब रुकुमणि की आंखें जो है फ्लैश हो चुकी थी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी एवन ए हॉली मंकी, उसको पसंद नहीं था कि कोई भी रवि को बंदर बोले, चाहे वो एक पवित्र बंदर ही क्यों ना बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाई द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और अब वो म्यूजिक मास्टर को बिल्कुल देख रही है और उनका मतलब ये है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएँ। When he had clatter off in his new chappels, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." अब वो उनको जैसे उन्होंने अपनी नई चप्पलों के साथ वहाँ से गए तो वो मृदु को बोलते हैं कि आप अंदर आएँ, हमें कुछ टिफिन भी लेने हैं। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappels to work. कहता कि thank God, भगवान का शुक्रिया कि गोपू मामा ने ये चप्पलें आज तक नहीं पहने। एज सी वॉक टू आर्ट द किचन विद मृदु एंड मीना, और वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ चली गई। सी सडनली बिगेन टू लाफ, और उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज कम होम। वो कहता कि वो हमेशा ही जल्दबाजी में रहते हैं, आते ही अपने शूज उतारे, सॉक्स उतारी और अपनी पुरानी चप्पलें पहन ली जैसे जैसे वो घर आए। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव ही चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। कहता कि तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उनको बोलूँगी कि आज मैंने आपकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का लेसन हमारा यहीं पर कम्प्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।